सभी सनातन भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, जब कोई शुभ कार्य का आरंभ होता है तो भगवान गणेश का नमन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश हिंदुओं के प्रथम पूज्य देवता हैं और उनसे समस्त संसार संकट हरने की प्रार्थना करता है। लेकिन आज हमारे विघ्नहर्ता ही ऐसी संकट में है जिससे मुक्ति का रास्ता सिर्फ हिंदू ही निकाल सकता है। आज काशी में शिव के धाम पर मुगलों का कब्जा है, कृष्ण की नगरी को मुस्लिमों ने हड़प लिया, उसी तरह भगवान गणेश की पूज्य स्थली को विध्वंस कर वहां मुगलों ने एक मीनार बना दी, और तो और गणेश जी की प्रतिमा को पिंजरे में कैद कर अपमानित किया जा रहा है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में एक है कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई 238 फीट है। इस मीनार के बारे में बचपन में मुझे बताया गया था कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में किया और 1368 में यह बनकर पूरा हो गया। स्कूल से लेकर कॉलेज की किताबों में यही लिखा है कि एक सूफी संत की याद में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, और पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात हमें सिखाई गई, हमें पढ़ाई गई कि मुस्लिम शासकों ने ही इसे बनाया था। लेकिन किसी ने यह सच बताने की कोशिश नहीं की कि कुतुब मीनार में एक दो नहीं बल्कि 27 मंदिर थे, जहां कभी घंटे घड़ियाल बजा करते थे, जहां कभी ऋषि मुनि हवन किया करते थे। इस जगह पर कभी वैदिक मंत्रों से वातावरण गूंज उठता था। लेकिन 800 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि मूर्तियां तो बची रह गई लेकिन मंदिर को ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कुतुब मीनार के दरवाजे हिंदुओं के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए? यही जानने मैं कुतुब मीनार पहुंचा और वहां की एक एक सच्चाई जिसे दीवारों में दफन कर दी गई थी उसे मैं आपके सामने ला रहा हूं। जब मैं कुतुब मीनार में पहुंचा तो देखा कि एक खंबे पर गोल आकार में सूर्यदेव की मूर्ति उकेरी गई है। मौजूदा कॉम्प्लेक्स दीवारों खंबों पर देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक चिन्ह बने हैं। इनमें भगवान गणेश, विष्णु, यक्ष यक्षिणी, महावीर और नटराज की आकृतियां भी मुझे दिखाई दी। मुझे यह देखकर काफी पीड़ा हुई कि भगवान गणेश की एक मूर्ति को लोहे की ग्रिल में कैद कर रखा गया है। मैंने इसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि कई साल पहले खुदाई में यहां खंडित मूर्तियां मिली थी और उन्हें अपमानजनक तरीके से जमीन पर फेंक दिया गया था। बाद में कुछ लोगों ने इसी तरह इसे पिंजरे में रख दिया। मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मेरी नजर कुतुब मीनार परिसर में मंगल कलश, शंख, गदा और इस पवित्र कमल के चिन्ह पर गई। हर एक आकृति, मूर्ति और दीवार पर ये चिन्ह साबित कर रहे थे कि किस नफरत और बेदर्दी से मुस्लिम शासकों ने यहां तबाही मचाई थी। कुछ साल पहले तक कुतुब मीनार परिसर की टूटी फूटी दीवारों पर एक हनुमान जी का चित्र भी था जिसमें वो संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे। बड़ा सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगर इस स्तंभ का निर्माण कराया तो उसकी नजर में तो हिंदू काफिर थे, तो फिर इन चित्रों की चित्रकारी क्यों कराई गई? इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है तो कोई भी इस्लामिक शासक ऐसी आकृतियां क्यों बनाएगा? जिस तरह से काशी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, शिवलिंग को वजू खाने में बदल दिया गया, ठीक उसी तरह कुतुब मीनार में भी हिंदुओं का अपमान कर ये अवशेष छोड़ दिए गए ताकि हिंदुओं को आने वाले सैकड़ों साल तक अपमानित होना पड़े। मुस्लिम शासकों ने ऊपरी मंजिल को मुस्लिम तरीके से बनाने की हर संभव कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मित्रों, इस सच का पता लगाने मैं भी चुपके से कुतुब मीनार में दाखिल हुआ था और रात के अंधेरे में ऊपरी मंजिल तक जाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे सीढ़ियां पर कुछ कलाकृतियों के बारे में बताया था। बताया गया कि मीनार के ऊपरी तल में जो सीढ़ियां हैं वहां हिंदू आकृतियां मौजूद हैं। मीनार की पहली तीन मंजिलों की संरचना और ऊपर बनाई गई संरचना में साफ अंतर देखा जा सकता है। मैंने इसे और करीब से देखने की कोशिश की लेकिन वहां जाने का रास्ता रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया गया था। हो ना हो, इस मीनार के ऊपर सनातन संस्कृति के पूरे प्रमाण कहीं मौजूद हैं,
जिसे हमारी और आपकी नजरों से छिपाने की साजिश हो रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला एएसआई की उस रिपोर्ट में, जिसे साल 1871 और 72 में तैयार किया गया था। भारत की आजादी से पहले इस रिपोर्ट को एएसआई के वरिष्ठ ऑफिसर जेडी बैगलर ने तैयार किया। इस रिपोर्ट के दूसरे पन्ने में कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर में जो स्तंभ मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि मूल रूप से वो हिंदू मंदिर के खंभे हैं और उनकी वर्तमान लंबाई किसी हिंदू मंदिर के खंभों के ही बराबर है। जेडी बेगलर ने ये भी दावा किया कि इस मस्जिद के बाहर और अंदर की दोनों दीवारों पर हिंदू सभ्यता से जुड़े सभी प्रतीक मौजूद हैं। भले ही इन मीनार का निर्माण मुस्लिम शासकों ने किया, लेकिन इसकी नींव हिंदू मंदिर के ऊपर रखी गई। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक बीआर मणि ने भी 27 हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने की बात कही है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुतुब मीनार में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो यूनेस्को से मिला विश्व धरोहर का दर्जा रद्द हो जाएगा। जिन प्रमाणों को छिपाने की साजिश की गई, उसमें से एक दावा है कि कुतुब मीनार एक प्राचीन वेदशाला थी। ईसा पूर्व 5वीं और 6वीं शताब्दी के समय भारतीय गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी वारामिहिर यहाँ अक्सर शोध किया करते थे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ जिले, जिसे आज दिल्ली कहते हैं, वहाँ की मेहरवाली, जिसे आज मेहरौली कहा जाता है, वहीं पर इस वेदशाला का निर्माण कराया था, जिसकी मदद से एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों की दशा और सूर्य की गणना की जाती थी। इसी परिसर में 27 नक्षत्रों के प्रतीक के तौर पर 27 मंदिर बनाए गए थे। इनमें जैन तीर्थंकरों के साथ भगवान विष्णु, शिव और गणेश के मंदिर थे। विश्व प्रसिद्ध खोजी इतिहासकार स्वर्गीय पुरुषोत्तम नागेश ओंक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय इतिहास की भयंकर भूलों में ये लिखा है, यहीं पर मिहिरवाली नाम का शहर उन्हीं वराह मिहिर के नाम से बसाया गया था जिन्होंने 27 नक्षत्रों का ज्ञान संसार को दिया और उसे हम आज मेहरौली के नाम से पुकारते हैं। उस समय तक संसार के अधिकांश देशों को ये पता ही नहीं था कि 27 नक्षत्रों का रहस्य क्या है। इस स्तंभ के पास बने 27 मंदिर 27 नक्षत्रों से संबंधित थे। उनका विशेष महत्व था, जिसमें अलग अलग नक्षत्रों के नाम से निर्मित मंदिर में बैठकर वराहमिहिर अपने शोध कार्य को पूरा करते थे। जिस दिन जिस नक्षत्र की जो स्थिति होती थी, उसी मंदिर में बैठकर वराहमिहिर अपना वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते और सम्राट विक्रमादित्य को उसकी सूचनाएं भेजा करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं 27 नक्षत्र वाले हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनके अवशेषों से इस मीनार का निर्माण कराया, और ये जानकारी तो आज मुख्य प्रवेश द्वार पर भी दर्ज है। कुतुब मीनार के संबंध में प्रोफेसर एमएस भटनागर ने दो लेख लिखे हैं, जिसमें इसकी उत्पत्ति, नामकरण की जानकारी तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। इस लेख में दावा है कि ये मीनार असल में ध्रुव स्तंभ है, जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया जाता था। अगर मीनार को ऊपर से देखा जाए तो इस टावर पर 24 पंखुड़ियों वाला कमल दिखेगा, या इसे 24 घंटे वाली घड़ी के डायल के रूप में भी समझा जा सकता है। कमल का फूल वाला डिजाइन पूरी तरह से एक हिंदू विचार है, क्योंकि इस्लाम में कमल के फूल का कहीं उल्लेख नहीं होता है। और इसी वेदशाला परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ हमें इस बात की जानकारी देता है। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में एक लेख लिखा है, जिसमें इसे गरुड़ ध्वज कहा गया। ये स्तंभ अब से करीब 1600 साल पूर्व लगाया गया था, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। इससे हमारे हिंदू आर्य राजाओं की वैज्ञानिक क्षमता और उस समय के विज्ञान का पता चलता है। जहां आज कुतुब मीनार है, वहां कभी लाल कोट हुआ करता था, जिसे दिल्ली का पहला लाल किला भी कहा जाता है। लाल कोट का निर्माण तोमर राजवंश के राजपूत राजा अनंगपाल ने करवाया था। राजा अनंगपाल ने ही दिल्ली को सबसे पहले शहर के रूप में बसाया था। राजा अनंगपाल के बाद दिल्ली का विस्तार पृथ्वीराज चौहान ने किया। उन्होंने लाल कोट का नाम बदलकर किला राय पिथौरा रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आज भी है कि कुतुब मीनार में ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर ताले क्यों जड़ दिए गए। दरअसल इसकी एक कहानी है। 4 दिसंबर 1984 का दिन था। करीब 400 लोग उस दिन कुतुब मीनार देखने आए हुए थे, और वो सभी सीढ़ियों के रास्ते से कुतुब मीनार में ऊपर की तरफ जा रहे थे। इसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता काफी संकरा था। वो रास्ता इतना संकरा था कि एक बार में एक या दो व्यक्ति ही ऊपर जा सकता था।
और बाहर से रोशनी आने का साधन भी अंदर नहीं था। उस वक्त अचानक बिजली चली गई और अंधेरे की वजह से वहां भगदड़ मच गई। सीढ़ियां छोटी थी, उतरना मुश्किल था और उस भगदड़ में 45 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसमें ज्यादातर बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया और जब भी इसे खोलने की बात आती थी तो हादसे के डर से इसे बंद करने का ही विचार किया जाता था। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति के प्रमाण तलाशने के लिए सीढ़ियों पर जाने की इजाजत भी मांगी, लेकिन तब ये अफवाह फैला दी गई कि 1984 के हादसे के बाद से वहां कुछ अनजान शक्तियों का राज है। वहां मारे गए लोगों की आत्मा आज भी आसपास होने का एहसास कराती हैं। कुछ लोग इस हादसे से पहले कुतुब मीनार के अंदर जा चुके थे। उन लोगों का भी कहना है कि इस मीनार के अंदर कुछ आत्माओं का उन्हें एहसास होता है। उन्हें एहसास होता है कि कुछ लोग यहाँ उनके साथ चलते हैं। इसी वजह से अंदर जाने पर वहाँ हमेशा के लिए रोक लगा दी गई और कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर बने हिंदू प्रमाण का सच वहाँ हमेशा के लिए दफन रह गया। एक और कहानी है जिसने कुतुब मीनार में भटकती आत्मा के रहस्य को बल दिया है। एक महिला अपने पालतू कुत्तों को लेकर दिल्ली घूमने आई थी। एक दिन उन्होंने कुतुब मीनार घूमने का मन बनाया। उस महिला ने एक टैक्सी बुक की और अपने कुत्तों को लेकर कुतुब मीनार परिसर जा पहुंची, लेकिन वहां उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसने अपना पर्स ड्राइवर को दिया और अपने कुत्तों को लेकर कुतुब मीनार की तरफ बढ़ चली। कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वो कुतुब मीनार के ऊपर गई और वहां से अचानक छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस महिला की वहीं मौत हो गई। जब उनका बैग खोलकर देखा गया तो पता चला कि वो कपूरथला की रानी तारा देवी थी, जिसका असली नाम था यूजेनिया मारिया ग्रोस्पो और वो चेक गणराज्य की रहने वाली थी। कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह को जब अपनी महारानी की मौत की खबर मिली तो उन्हें गहरा सदमा लगा। महारानी के सदमे में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद से ही कुतुब मीनार में अनजान तरीके की आत्माओं का रहस्य प्रबल होता गया और लोगों में डर फैलाया गया। इसी तरह के कई बेतुके झूठ भी फैलाए गए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण इसलिए कराया था ताकि अजान के वक्त लोगों को यहां से आवाज देकर बुलाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि 230 फीट ऊंचाई पर जाकर कोई व्यक्ति अगर आवाज देगा तो नीचे खड़े व्यक्ति को वो आवाज कभी सुनाई ही नहीं देगी। दोस्तों, अमेरिका को अमेरिकियों ने बनाया, जापान को जापानियों ने बनाया, लेकिन भारत में ऐसा क्यों हो गया कि हमारा शहर दिल्ली, आगरा, फतेहपुर, इलाहाबाद को मुगलों ने बनाया उन लोगों ने जो बाहर से आए थे, जो दुनिया के सबसे पिछड़े अफगान, मंगोल, उज्बेक जगह से आए थे, जो हमेशा कबीला बनाकर रहते थे, जिनका पेशा लूटमार करना था, और वो लुटेरे इतने बड़े आर्किटेक्ट कैसे हो गए जिन्होंने भारत में इतने बड़े शहर बना दिए? आखिर हजारों वर्ष बाद भी इन मुगलों के मूल देशों में ऐसी कोई दुर्लभ इमारत या आर्किटेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता? दरअसल इसका कारण है भारत की स्थापत्य कला। यहाँ विशाल मंदिर और इन सभ्यता संस्कृति को देखकर मुगल खुद को नीचा समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने इन मंदिरों को तोड़कर उस पर गुंबद बनाया और हिंदुओं की पहचान मिटाकर अपने नाम कर ली। बाद में अंग्रेजों ने भी हिंदुओं की सभ्यता को खत्म करने के लिए इसी तरह के इतिहास की रचना कर दी जिसे हम आज तक सच मानते रहे। विडंबना देखिए, जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, जिस देश की उत्पत्ति हिंदुओं से हुई, उसी देश में बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ मुगलों के कब्जे में है, श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर मुस्लिमों का कब्जा है और कश्यप ऋषि की नगरी कश्मीर में मंदिरों को जिहादियों ने तोड़कर मिट्टी में मिला दिया। हमारे आस्था और हमले पर कब्जे के इतने उदाहरण हैं, लेकिन हिंदू हमेशा असंगठित, दुर्बल और कमजोर बना ये अपमान का घूंट पीता रहा है। मित्रों, हमें अपने पुरातन गौरवपूर्ण संस्कृति को संजोना है और उसे वापस लेकर आना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इसी तरह कायर और कमजोर होंगी और उन्हें यही लगेगा कि भारत का निर्माण हिंदुओं ने नहीं बल्कि मुस्लिम आक्रांताओं ने किया, विदेशियों ने बनाया। सनातन आस्था को मटियामेट करने की नफरती ख्वाहिश के साथ 800 साल पहले जो कुतुब मीनार में हुआ उसे आज भी जारी रखा जा रहा है और इसे रोकना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है और यही है हिंदू अभिमान,